इन दिस प्रॉब्लम दे हैव सेड दैट, ये है थर्ड प्रॉब्लम जिसके अंदर ये बोले कि बी ई और सी एफ ये दो इक्वल आल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल ए बी सी के. ओके, सो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करते हुए ये हमको ट्राइंगल आइसोसेलेस है ये बताना है. ठीक है, सो पहले वो लोग दिए ऐसा ट्राइंगल ए बी सी और सी बी ई और सी एफ क्या है आल्टीट्यूड्स है. तो मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ आइसोसेलेस बताने के लिए, मैं नीचे का ट्राइंगल सेपरेटली निकाल दे रहा हूँ और यहाँ से बी सी ई वो भी सेपरेटली निकाल देंगे. ओके, देन नेक्स्ट इन दो ट्राइंगल्स के अंदर जो इक्वल है, जो ऑलरेडी वहाँ पर दे दिए बी ई और सी एफ इक्वल है, सो बी ई एंड सी एफ आर इक्वल. सो गिवेन वॉट इज गिवेन, गिवेन बी ई, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. सो दे हैव गिवेन बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. एंड नेक्स्ट, तो ये दो ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करेंगे, थ्री थिंग्स इक्वल बताएंगे. सो वॉट आर दोज थ्री थिंग्स, इट शुड बी एंगल्स और साइड्स. सो वो बताने के लिए पहले हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे. सो इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई, सो इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल दे हैव ऑलरेडी गिवन बी ई एंड सी एफ आर इक्वल. सो सी बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ. Why? Because it is given. Then next, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये altitude, ये 90 degrees angle बना रहा, यहाँ पर भी 90 degrees. So angle BFC is making 90 degrees and BEC is also making 90 degrees. Each angle is 90 degrees. Then next, अगर हम देखेंगे ये ट्राइंगल के अंदर बी सी और ये ट्राइंगल के अंदर बी सी, दोनों के पास बी सी बी सी कॉमन है, सो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल्स टू बी सी विच इज कॉमन. देन नेक्स्ट, ये तीन चीजों की वजह से ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयर फोर ट्राइंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई. Why? Because side angle side congruency, side angle side congruency. Then next, अगर दो triangles congruent है तो उन लोगों के corresponding parts क्या होते हैं, equal. Suppose what we can say about this angle B and angle C, they are equal. Angle B equal है angle C को. Why? Why? Because of CP CT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Then next, if B is equals to C, now see in the big triangle, B angle B के सामने क्या है, AC. AC is equals to angle C के सामने क्या है, AB. AC is equals to AB. Isosceles बताने के लिए हमको बताना था कि कौन से भी दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल है. वैसे तो दो साइड्स दो एंगल्स भी इक्वल है और दो साइड्स भी इक्वल हो गए. सो जब दो साइड्स इक्वल हो गए दैट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड.